हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमिताज किचन। कुछ मीठा कुछ नमकीन। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ आम की कैरी, यामिया का खट्टा मीठा इंस्टेंट बनने वाला बिना तेल का अचार। चलिए मैं सबसे पहले आपको उसके इंग्रेडिएंट्स दिखा देती हूँ। ये देखिए, मैंने एक टेबलस्पून मोटी सौंफ ली हुई है, एक टेबलस्पून मेथी दाना है, 1 टीस्पून हींग है, 50 ग्राम्स गुड़ है, मैंने इसको पीसा हुआ है, और 2 टेबलस्पून विनेगर है सिरका, और 1/2 kg आमिया है, बाकी ड्राई स्पाइसेस पड़ेंगे। सबसे पहले हमने इनको करना क्या, ये मेथी दाना और सौंफ को हल्के से कढ़ाई में हल्का सा भून के उनको पीस लेंगे, दरदरा पीस लेंगे, और उसके बाद हम अचार बनाना स्टार्ट करते हैं। चलिए हम सौंफ और मेथी दाने को दरदरा पीस लें। देखिए, मैं मेथी दाना और सौंफ को एक ही साथ पैन में डाल के थोड़ा सा 1 से 2 मिनट हल्का सा इसको भून लूंगी। हमें इसका कलर नहीं चेंज करना है, हमने बस इसकी नमी को निकालना है। आप चाहें तो अगर धूप में रख दें, बहुत तेज धूप है तो आप इसको आधा घंटा धूप में रख दें तो भी आप पीस सकते हैं। बस इसको 1 मिनट हम अच्छे से भून लेते हैं, उसके बाद हम मिक्सर ग्राइंडर में इसको पीस लेंगे। ये देखिए, हमारा भुन गया है अच्छे से, हल्का सा मैंने इसको ड्राई कर लिया। अब इसको हम मिक्सर ग्राइंडर में डाल के थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे, उसके बाद पीसेंगे। चलिए, अब ये हो गया हमारा, हम इसको पीस लेते हैं। देखिए, मैंने सौंफ और मेथी दाना हमारा पीस गया है। अब हम चलिए अचार बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने ये आमिया ली हुई है, इसमें हम सारे स्पाइसेस, ये मेथी दाना, सौंफ डाल देंगे, ये देखिए गुड़ था, ये गुड़ डाल देंगे, ये हींग डाल देंगे, ये विनेगर डाल देंगे। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहती हूँ, अगर विनेगर कई लोगों को सूट नहीं करता है, विनेगर नहीं खाते हैं, तो वो उसकी जगह, विनेगर की जगह वो चाहें तो सरसों का तेल यूज़ कर सकते हैं। उसको थोड़ा सा पहले जला लीजिएगा, उसके बाद डालेंगे। चलिए, अब हम इसके बाद ये स्पाइसेस डाल देते हैं जो मैंने आपको बताया था। देखिए, सॉल्ट इसमें अराउंड 1 टेबल स्पून आराम से पड़ जाएगा, इसमें ज़्यादा तो कुछ नहीं पड़ना। ये 1 टेबल स्पून मैंने ये कश्मीरी लाल मिर्च डाला है, और थोड़ा सा ये रेड चिली डाला है। बस स्पाइसेस तो हमारा और कुछ डालना नहीं है, डाल गए हैं सारे। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। इसमें अगर सरसों का तेल डालेंगे तो वो यूज कर सकते हैं, अगर आपको बिना ऑयल का खाना है तो आप ये विनेगर डाल लीजिएगा। ये इंस्टेंट आम का अचार है, इसको आप अभी किसी ग्लास के बर्तन में डाल के, धूप बहुत तेज हो रही है तो इसको 1-2 घंटा आप इसको धूप लगवा दीजिएगा, और इसको धूप लगवा के बर्तन में डाल के बंद, और ये रखिएगा जिस बर्तन में आप डाल रहे हैं वो बर्तन बिल्कुल सूखा होना चाहिए, उसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। अगर आप उसको अच्छे से धूप में सुखा लें उसके बाद ही उसमें बर्तन में डालिएगा। ये देखिए, हमारा आम का इंस्टेंट अचार रेडी हो गया। अब इसको बस धूप में डाल, धूप दिखानी है 1-2 घंटा, उसके बाद हमारा अचार खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। फ्रेंड्स, देखिए मेरा अचार बिल्कुल रेडी हो गया खाने के लिए, इंस्टेंट बनने वाला आम का खट्टा मीठा अचार। एक तो सबसे बड़ा बेनिफिट है, ये बिना ऑयल के बना है ये अचार। अगर आप ऑयल डालते भी हैं तो इसमें ऑयल भी बहुत ज़्यादा नहीं डलेगा, और आप फटाफट ट्राई करिए और बताइएगा कैसा बना आपका। इसको आप खाने में खाइए, लंच टाइम में, डिनर टाइम में, मट्ठी के साथ खाइए, और घर में देखिएगा हर बंदा बहुत पसंद करेगा, बड़े हो, बच्चे हो, जो भी हो। तो आप भी ये ट्राई करिए, अगर आपको अच्छी लगी मेरी रेसिपी तो मेरे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू।